नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सर ने मानहानि केस में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल मानहानि केस में राहुल गांधी ने कोर्ट से समय मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने पेश होने के लिए अब 15 दिन का समय दिया है। राहुल गांधी को इस पूरे मामले में कोर्ट में पेश होना था, लेकिन बार बार वो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। और अब उनके वकील की ओर से दरअसल 15 दिन की मोहलत मांगी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15 दिन का समय दे दिया है। तो इस पूरे मामले में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी जा चुकी है। आपको ये बता दें कि मोदी सर ने मामले में सूरत कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के लिए इस पूरे मामले में मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं। अब रांची की MP MLA कोर्ट में जस्टिस अनामिका किक्कू की अदालत में ये पूरी सुनवाई हुई है और राहुल गांधी के वकील की ओर से समय मांगा गया था। उनके वकील प्रदीप चंद्रा ने अदालत से 15 दिन का समय मांगा। इस पर शिकायतकर्ता के वकील ने सवाल खड़े किए और ये कहा कि इससे पहले भी राहुल गांधी 2 बार कोर्ट के समन जारी करने के बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं और कोर्ट पहले ही राहुल गांधी की व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने वाली याचिका को खारिज कर चुकी है। आपको ये बता दें कि उसके बाद राहुल गांधी उनके वकील झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी तरफ से ये दलील दी गई कि झारखंड हाईकोर्ट ने अभी इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, तो ऐसे में अब कुछ समय जो है राहुल गांधी को और देना चाहिए, जिसके बाद ये 15 दिन की मोहलत राहुल गांधी को और दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी, जिन्हें मोदी सर ने मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, उसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई। आपको ये बता दें कि ना सिर्फ जो है सूरत कोर्ट में, इसके अलावा पटना और साथ ही अब रांची की MP MLA कोर्ट में भी जो शिकायत की गई थी, मानहानि केस जो राहुल गांधी पर किया गया था इस पूरे मामले को लेकर, उसमें अब सुनवाई हो रही है। सशरीर हाजिर होने के लिए कहा गया है, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश होने के बजाय अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, वो विदेशों में घूम रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कानून जिस तरीके से काम कर रहा है, उसका उल्लंघन राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आपको ये बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए ये कहा था कि सभी मोदी चोर हैं। तो ये मोदी सरनेम पर टिप्पणी जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से की गई थी, उनके इस बयान के बाद काफी हंगामा मचा था और इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ कई जगहों पर FIR दर्ज की गई थी। वहीं रांची के एक अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए FIR दर्ज कराई। साथ ही 20 करोड़ रुपए का मानहानि का केस भी उन्होंने राहुल गांधी पर दायर कर दिया था। 16 जून को इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। उनके वकील की ओर से ये कहा गया है कि इस मामले में एक सुनवाई जो है वो झारखंड हाईकोर्ट में भी चल रही है, जहां रांची की MP MLA कोर्ट के जो फैसला है उसको चुनौती झारखंड हाईकोर्ट में दी गई है, क्योंकि रांची की MP MLA कोर्ट उस याचिका को खारिज कर चुकी है, जिसमें ये कहा गया था कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश ना होना पड़े। इसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी MP MLA कोर्ट में रांची की, जिसे खारिज कर दिया गया और अब इसी फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। और इस तरीके से अब दलील ये दी जा रही है कि दरअसल
निचली अदालत की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जो अर्जी है वो लंबित है, वहां सुनवाई नहीं हुई है। तो जब तक कि झारखंड हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक राहुल गांधी को कुछ वक्त और दिया जाए, तो उसके बाद ये 15 दिन की मोहलत और दी गई है। तो इस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार मोदी सरनेम मानहानि केस में बढ़ रही है, क्योंकि आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि सूरत की जो कोर्ट थी वो फैसला सुना चुकी है। 2 साल की सजा राहुल गांधी को हुई, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ। कांग्रेस पार्टी ने खूब बवाल काटा, लेकिन राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई। इसके बाद अब रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने 15 दिन की मोहलत और दी है कि आप 15 दिन के बाद जो है पेश होना ही होगा। लेकिन अगर राहुल गांधी इसे भी दरकिनार करते हैं तो जाहिर तौर पर उन पर आने वाले वक्त में कड़ा एक्शन होने की उम्मीद जो है वो लगातार की जा रही है। बीजेपी की ये मांग है कि जल्द से जल्द जो है वो सुनवाई होनी चाहिए, और झारखंड बीजेपी ने ये भी कहा है कि वो जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई चाहते हैं। वो इस बात से काफ़ी आहत है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और मोदी सरनेम के लिए इस तरीके की बातें कही हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने मोदी को चौकीदार चोर है कहा था। चाईबासा में भी राहुल गांधी के खिलाफ एक मामला पेंडिंग है। चाईबासा में भी राहुल के खिलाफ मानहानि का एक और मामला चल रहा है। राहुल ने अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए ये कहा था कि ये केवल बीजेपी में ही संभव है कि हत्या के आरोपों का सामना करने वाले भी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। ये उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री जो मौजूदा वक्त में है अमित शाह उन पर टिप्पणी की थी। ये भी मानहानि का एक मामला है जो कि राहुल गांधी के खिलाफ फिलहाल चल रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की ये मांग है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला राजनीतिक तौर पर नहीं कर पाते हैं लेकिन जुबानी तौर पर जिस तरीके से करने की कोशिश की जाती है, फिर चाहे वो चौकीदार चोर वाला बयान हो या फिर देश एक चाय बेचने वाला क्या देश का प्रधानमंत्री बनेगा इस तरह की टिप्पणी, फिर चाहे वो पवन खेड़ा का बयान हो जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर हमला बोला था, इतना ही नहीं उनकी माता को लेकर भी टिप्पणी की गई थी। तो कुल लाकर ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जुबान है जो कहीं ना कहीं उन्हें अलग अलग मामलों में फंसाती आ रही है, और अब इस तरीके से ये कानून का शिकंजा जो है राहुल गांधी पर कसता जा रहा है। अब 15 दिन की मोहलत या समय उन्हें दिया गया है, लेकिन इन 15 दिन में अगर राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में उन पर कड़ी कार्रवाई अदालत की ओर से की जाएगी। हालांकि दलील ये दी गई है कि झारखंड हाई कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन देखना यही होगा कि झारखंड हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें झारखंड हाई कोर्ट का क्या फैसला राहुल गांधी को लेकर सामने आता है इस पूरे मानहानि केस में। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।